हेलो जी, मैं हूं दीप। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको इजी भी लगने वाली है। इस वीडियो को देखकर आप अपने सूट को, अपने दुपट्टा को, अपने स्टॉल को, अपनी साड़ी के बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं, वो भी आसानी से और बड़ी खूबसूरती के साथ। हम इस डिज़ाइन में दो कलर यूज़ करेंगे। दो कलर को यूज़ करके हम ये पैटर्न रेडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने फ्रेम में कपड़ा लगा लिया है, कॉटन का कपड़ा है वाइट कलर का। ये मैंने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर और न्योन पिंक कलर। इस तरह हम पेटल के एक साइड पे लगाएंगे व्हाइट कलर हाफ तक, इस तरह से। ये हमने व्हाइट कलर लगा लिया और हाफ पेटल में मैं लगाऊंगी न्यून पिंक कलर बिना ब्रश को साफ किए हुए। इसी तरह से मैं कलर लगाऊंगी ब्रश को और दूसरी साइड से आउटलाइन करके इस तरह से जितनी जगह खाली है मैंने कलर लगा लिया। यहाँ पे दो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, इसको हमने इकट्ठा करना है, ब्लेंड करना है। तो मैं करूँगी ब्रश को साफ और जहाँ पे दो कलर मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे प्रेस करके ब्रश को इस तरह से मिक्स करूँगी। एक साइड डार्क कलर रह जाए, एक साइड वाइट कलर रह जाए और सेंटर में इसकी ब्लेंडिंग नज़र आए। सेकेंड पेटल करते हैं, ध्यान से देखिए। इस तरह से हम जिस डायरेक्शन में ब्रश चलाएंगे ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे तक ही हम हाफ पेटल करेंगे। उसी ब्रश के साथ दूसरा कलर, जैसे कि मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर लगाएंगे, दूसरी साइड से अंदर की तरफ आएंगे। यहाँ पे दो कलर मिल चुके हैं तो इनको अब ब्लेंड करने के लिए ब्रश को साफ करेंगे और इस तरह से ब्रश को चलाएंगे, थोड़ा ऊपर से पकड़ के और थोड़ा प्रेस करके। एक ध्यान रखना है, इस साइड व्हाइट कलर है तो हम इस साइड पिंक लगाएंगे और इस साइड व्हाइट लगाएंगे, ओके। जितना टाइम तक हम ये फ्लावर बना रहे हैं हम पानी के साथ ब्रश को साफ नहीं करेंगे। ये देखिए, इस साइड वाइट कलर था दूसरी पेटल का, तो मैं इसको पिंक लगा रही हूँ और पिंक लगा के इस तरह से अंदर की तरफ कलर ले जाके वहाँ तक पिंक कलर लगाऊंगी जहाँ तक वाइट कलर लगा है। दो कलर मिल गए, ब्रश को साफ किया, फिर इसकी ब्लेंडिंग करेंगे इस तरह से। ये कोई मेजरमेंट नहीं है कि पिंक कलर कितना आएगा पेटल में या हाफ हाफ आएगा या वाइट कलर कितना आएगा। दो कलर लगाने हैं, दोनों को मिक्स करना है, बस इतना ही आपने याद रखना है। इस तरह से आप सिंगल कलर फिलिंग करते हो किसी भी पेटल में, उसी तरह से ये डबल कलर है। बस आपने मिक्सिंग का आइडिया सीखना है और बहुत ही इजी है अगर आप ध्यान से देख रहे हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। पिछली वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले किया हुआ है तो आपने वीडियो भी देखी होंगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। इस साइड से हम पिंक कलर लगाएंगे, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग हम कलर लगाएंगे।
एक डार्क और एक लाइट। ज़रूरी नहीं कि हमने वाइट के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है, हम ऑरेंज एंड येलो का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस तरह आपकी ड्रेस है उस हिसाब से। इस तरह से देखिए दो कलर आ गए, फिर से हम यहाँ पे इस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे और कलर को मिक्स कर देंगे। हमारा मकसद क्या है कि पोर्शन ना दिखें कलर्स के, क्योंकि हाफ पोर्शन में वाइट है, हाफ पोर्शन में पिंक है, ये ना दिखे। दो कलर लगने चाहिए और खूबसूरती के साथ लगने चाहिए। कोई भी इस पेंटिंग को कर सकता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी आप ट्राई करेंगे ये वाला डिज़ाइन, मुझे सेंड कीजिए इंस्टाग्राम पे, फैब्रिक क्रिएशन के नाम पे आईडी है, फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे डिज़ाइन भी डालती रहती हूँ, नई नई वीडियोस भी डालती रहती हूँ, टेक्निक्स आपको बताती हूँ। मेरी क्लासेस चल रही हैं, बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी मुझे बता सकते हो। उसमें आप कुछ भी वन टू वन मेरे साथ टॉक कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, आपको यहाँ पे डीपली नहीं समझ आ रहा तो आप सीख सकते हो, जिसमें फैब्रिक पेंटिंग सिखाई जाएगी, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, कोटा डोरिया पे, हर तरह के ब्रश के साथ, फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश, फिल्बर्ट ब्रश। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते, कुछ पूछना चाहते हो तो भी मैं हाजिर हूँ, कमेंट में आप पूछ लीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। जहाँ पे ये दो कलर दो पोर्शन में बंट जाएं, वहाँ पे ब्रश को साफ कर लेना है कपड़े से बिना पानी के, और इस तरह से कलर को ब्लेंड करना है कि थोड़ा सा जो वाइट है वहाँ पे हल्का सा पिंक कलर आ जाए और इस तरह से बन जाए। ट्रेसिंग के आइडियाज मैंने बताए हुए हैं पहले, दोबारा देखना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। ये मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी पे डिज़ाइन डालती रहती हूँ, कोई भी अगर चाहे तो वहाँ से डिज़ाइन ले सकता है, नो प्रॉब्लम। डिज़ाइन लेके आप पेंट कर सकते हो, कुछ सजेशन चाहिए तो ले सकते हो, डिज़ाइन बना के मुझे दिखा सकते हो, मैं बाय नेम आपका डिज़ाइन अपनी आईडी पे अपने पेज पे शेयर करूँगी। फिर से देख लीजिए, फिर से हम कर रहे हैं ब्लेंडिंग। जो मेन इस डिज़ाइन का वो है, दो कलर हैं, दोनों को इस तरह से मिक्स करना है। आपको फ्रेम अगर स्टार्टिंग में है तो फ्रेम को घुमाना पड़ेगा, इस तरह से घुमा के आप इस तरह से, राइट हैंड आपका अगर आ रहा है तो इजी रहेगा। एक साइड जो कलर हम लगा रहे हैं वो आना चाहिए, दूसरी साइड हम दूसरा कलर लगा रहे हैं वो आना चाहिए, और सेंटर में एक थर्ड कलर बनना चाहिए जो दोनों के मिक्स करने से बनता है। ये देखिए, ये हमने फ्लावर कंप्लीट कर लिए, अब हम बनाएंगे इसकी पत्तियाँ, और इसकी पत्तियाँ बनेंगी छोटी छोटी। हमने यहाँ पे न्योन पिंक यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह का ग्रीन यूज़ कर रही हूँ,
न्यून नहीं कह सकते, लेकिन न्यून की तरह ही है। अभी ग्रीन नहीं था न्यून कलर, तो इतना ही ब्राइट ले रहे हैं। और इसकी पत्तियां बनाएंगे हम इस तरह से छोटी छोटी। ये मैं यूज़ कर रही हूँ 5 नंबर राउंड ब्रश, जिसके साथ मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। उसी ब्रश के साथ मैं छोटी छोटी पत्तियाँ बना रही हूँ, इतनी छोटी ही बनानी है इन फ्लावर्स के साथ। ये बन गई छोटी छोटी पत्तियाँ। ये बड़ी पत्तियाँ हैं, इसको भी हम बनाते हैं। इसी तरह से बनानी है ये, सिंपल तरीके से इस तरह से आउटलाइन कर लें और फिर इसके अंदर कलर फिल कर दें ऐसे। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बहुत खूबसूरत अपनी ड्रेस रेडी कर सकते हैं। दुपट्टा के दोनों कॉर्नर पे बना सकते हैं, बॉर्डर पे बना सकते हैं, बॉर्डर के साथ छोटे छोटे फ्लावर्स, ये वाला एक एक फ्लावर लेके आप बना सकते हैं। ये जो है इसकी एक साइड पे हम इस तरह से कलर देंगे, इस तरह की पत्तियाँ। देखिए ब्रश को ऐसे, बस ब्रश को इस तरह से, बस इस तरह से प्रेस करते हुए ये वाली पत्तियां हमने बनानी है छोटी छोटी। बस इसको दूसरी साइड से नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे इधर से, इस तरह से ब्रश को ऐसे प्रेस करके उठाते जाना है। इस तरह से जो इसकी स्टेम्स जा रही हैं, इसको मैं ब्राउन कलर के साथ बना रही हूँ। ये हमने स्टेम्स बना दी इसकी, ठीक है। हम इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। ये है 3D आउटलाइनर ग्लिटर, इसके साथ हम ये देखिए जिस साइड से वाइट कलर का पोर्शन है उतना उतना हम इसको लगाएंगे। लगा हम इसको सारी तरफ से भी सकते हैं, लेकिन ये कम लगा हो तो इवन के ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, एंड ये जब सूखेगा इसका इफेक्ट बाद में नज़र आएगा, मैं वो भी आपके साथ फोटो शेयर करूंगी। अभी थोड़ा सूख जाए, अभी मैं लगा रही हूँ। इस तरह से लगाना है, सिंपल है, जिस तरह से फेविकोल की ट्यूब होती है उस तरह से। और इसके सेंटर में मैं यही लगा रही हूँ, आप यहाँ पे येलो कलर का डॉट भी लगा सकते हैं। अभी ये सूख जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये बन गया हमारा पैटर्न। इसको हम और एम्बेलिश करेंगे, अच्छा बनाएंगे इसको और थोड़ा सुंदर बनाते हैं। इस तरह से बनाएंगे हम, क्या करेंगे, जो हमने ग्रीन कलर लिया था उसी ग्रीन कलर के साथ हम इसको इस तरह से थोड़ा
भरेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। ये बन गया हमारा डिज़ाइन। न्योन पिंक और वाइट कलर की ब्लेंडिंग का करके हमने ये डिज़ाइन बनाया है, जिसमें हमने ग्रीन पत्तियां बनाई हैं। उसके साथ हमने ग्लिटर 3D आउटलाइनर सिल्वर यूज़ किया है, ब्राउन कलर की हमने स्टेम्स यूज़ की हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत इजी है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, अपनी ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।